नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भासना शर्मा और आज छठा नवरात्र है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं छठे नवरात्र की। आज के दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और माँ कात्यायनी इनका नाम क्यों पड़ा आज ये आपको बताऊंगी, कौन सा भोग आप इन्हें अर्पित करेंगे ये भी आपको बताऊंगी, साथ ही में आज जानेंगे वो छोटे छोटे उपाय जिनसे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, और आज के दिन में कौन से ऐसा उपाय है जिससे कि कौन सा ऐसा महा उपाय है जिससे कि शीघ्र विवाह का योग बनेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज माँ कात्यायनी की पूजा हम कर रहे हैं, उनका आवाहन आज के दिन में किया जाएगा। माँ कात्यायनी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म कात्यायन ऋषि के यहाँ पर हुआ था। जो ऋषि कात्यायन थे इन्होंने माँ को पुत्री रूप में पाने के लिए इच्छा प्रकट करी थी और उन्हीं को माँ ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था और उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेकर के इसीलिए इनका नाम जो है कात्यायनी माँ पड़ा। अगर बात करूं आज के दिन की तो माँ का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। ये जो नौ ग्रह हैं ये इन नौ दिनों में नौ देवियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन नौ दिनों में नौ तिथियों में नौ ग्रह भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और आज के दिन में माँ कात्यायनी को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। तो आज के दिन में वो लोग और ख़ासतौर पे वो लड़कियां जिनका शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं उन लोगों को, उन लड़कियों को ख़ासतौर पे माँ कात्यायनी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि बृहस्पति ग्रह का संबंध आपकी शादी से भी होता है। और ख़ासतौर पे अगर हम लड़की की कुंडली की बात करें तो लड़की की कुंडली में ख़ासतौर पे बृहस्पति ग्रह आपका जुपिटर देखा जाता है। अगर स्ट्रांग नहीं है और अगर किसी तरह से उसमें कोई दिक्कतें हैं तो आपकी शादी होने में विलम्ब होगा, आपकी शादी होने में अड़चने पैदा होंगी। वहीं दूसरी तरफ लड़की की कुंडली में मंगल और बृहस्पति देखा जाता है। तो आज के दिन में माँ कात्यायनी की पूजा के साथ साथ अपने बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से ऐसे उपाय करेंगे ये भी जानेंगे आज। ऐसा माना जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही आराधना करी थी, उन्हीं का ही आवाहन किया था। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं आपकी राशियों के साथ। आपको बताती रहूँगी आज कौन से ऐसे उपाय हैं आपकी राशियों के हिसाब से जो आप करेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए आज के दिन का राहु काल। 11:10 से लेकर 12:27 तक का राहु काल का समय रहेगा। इस समय के बीच में किसी भी तरह का पूजा, किसी भी तरह का शुभ कार्य आप अवॉइड कीजिएगा, यात्रा को भी आप लोग अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ टैरो कार्ड से हमेशा प्रेडिक्शंस देख रहे हो तो अपना मून साइन फॉलो करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं आज मेष राशि वाले लोगों के साथ कैसा रहेगा आज का दिन। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 3 of Cups एंड द सेकंड कार्ड इज Ace of Cups। आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए सपोर्ट भी है, साथ ही में नई चीज़ों की शुरुआत भी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आज फ्राइडे का दिन भी है, माँ लक्ष्मी का दिन है और आज नवरात्र भी है, छठा नवरात्र है। माँ कात्यायनी की पूजा आप लोग कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को आपको लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है। ऐसा करने से व्यवसाय को बढ़ाने का नया योग बनेगा। इसी के साथ जो लोग भी आपके लिए एक तरह से अगेंस्ट में हैं वो लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ, जानते हैं आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। कार्ड निकलता है द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज अधूरे काम पूरे होने वाले हैं, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं उन पर ध्यान नहीं दें और ख़ासतौर पर नवरात्रों के दिन ऐसे माने जाते हैं कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जी हाँ, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ना, पूजा पाठ करना अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा करने से आपके जीवन में एक तरह से पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना ज़रूरी है कि इन नवरात्रों के दौरान जिस तरह से हम अपना माइंड, बॉडी एंड सोल का प्योरिफिकेशन करते हैं तो आप भी अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर की नकारात्मक सोच को ख़त्म कर दीजिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, साथ ही में लग्जरीज की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। एक तरह से आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो मेहनत है, आज वो रंग भी लाएगी, रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। उपाय क्या करेंगे, छोटा सा उपाय करना है आप लोगों को, किसी भी मंदिर में जाकर के आज के दिन में केले का प्रसाद बांटना है, केले का भोग लगाना है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकलता है नाइट ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड निकलता है टेन ऑफ पेंटाकल्स। दैट मीन्स आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है आज वो वापस मिलने का योग नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय है और लेकिन कानूनी वाद विवाद में ज़्यादा उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। एक छोटा सा उपाय करेंगे, अपने जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आपके उस केस से जुड़ी हुई उसके ऊपर आप उसको लाल कपड़े में बांध करके उस पर हनुमान जी की मूर्ति आप रख दीजिए और उसको अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जो कानूनी आपका केस चल रहा है उसमें आप
की विजय होगी, साथ ही में वो जो अड़चने पैदा हो रही हैं ये खत्म होंगी। इसी के साथ आज एक जनरल उपाय आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे बात करी कि माँ कात्यायनी के लिए बृहस्पति ग्रह माना जाता है, तो आज के दिन में अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के ज़रूर नहाइए। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो जेमिनाइज के लिए आज पहला कार्ड निकल रहा है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द स्ट्रेंथ। इसी के साथ आज के दिन में आपके लव्ड वन से आज आपको सपोर्ट मिलेगा, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही में आज थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का समय है। नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव अप्रोच रखेंगे तो आपका काम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। कोशिश करें आज पॉजिटिव अप्रोच रखें हर काम के लिए। साथ ही में लोगों से पैसे से जुड़ा हुआ जो लेन देन है आज, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं पर कुछ वाद विवाद की स्थिति उभर सकती है। तो आज किसी के को भी आप ऐसे इंसान को पैसा नहीं दें या ना ही उससे लें जिसे आप जानते नहीं हो। साथ ही में आज के दिन में आप लोगों के लिए वाहन आदि अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि यात्रा का योग भी इसके साथ साथ बन रहा है। उपाय क्या करेंगे आज कर्क राशि वालों के लिए, जब भी आप सुबह उठ करके अपना कहीं काम से बाहर जाएँ तो माँ को लौंग का एक अग्यारी जो है वो ज़रूर दे करके जाएँ। ऐसा करने से आपका काम बिल्कुल बनेगा। चलिए बात करते हैं लियो की। तो सिंह राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड द लवर्स। आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, इसी के साथ एक स्टेबल पीरियड भी नज़र आ रहा है। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी और ख़ासतौर पे आपकी फाइनेंसिस से जुड़ी हुई जो अनस्टेबिलिटी थी, आज वो खत्म होने का योग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पर आप लोगों के लिए जो यात्रा अभी तक आपने प्लान आउट करा हुआ था कहीं बाहर ट्रैवलिंग पर जाने के लिए, उसमें थोड़े बहुत डिलेज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आज के दिन में, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश करें जो लोग खासतौर पे जिन लोगों ने फास्टिंग नहीं रखा हुआ है वो लोग भी तामसिक आहार को अवॉइड करेंगे। किसी भी तरह के ऐसे तामसिक भोजन को आप लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि 9 दिनों में सात्विक भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसका खाली आप एक स्पिरिचुअलिज्म या एक धर्म के एंगल से ही नहीं सोचें, बल्कि साइंटिफिक भी अगर देखें तो इसमें आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहा जाता है कि आप इस समय पर सात्विक आहार ही खाएं, क्योंकि समय का बदलाव हो रहा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो इसके लिए आपकी इम्यूनिटी में जो वीकनेस आ जाती है उसको बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सात्विक भोजन का ही आहार ग्रहण करें। आज के दिन में एक छोटा सा उपाय करेंगे, पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। तो वर्क उसके लिए द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए द चैरियट। आज के दिन में विरोधी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके काम काज में परेशानियां डाल सकते हैं, आपके कामकाज में अड़चने पैदा कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, वो भी घर के छोटे बच्चों के प्रति। आप लोगों को खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो घर के छोटे जो बच्चे हैं उनका ध्यान दीजिए, उनका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए। और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए आज ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट को नहीं करें, आज किसी भी तरह का कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट आज नहीं करनी है, नहीं तो पैसा आपका डूब सकता है। साथ ही में यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन यात्रा को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, नहीं तो आपको चोट आदि लगने का खतरा भी हो सकता है या फिर चोरी वगैरह होने का खतरा भी हो सकता है। आज के दिन में उपाय आप लोग क्या करेंगे, गुड़ खा करके घर से बाहर निकलें। साथ ही में आज माँ को शहद का भोग ज़रूर लगाइए। चलिए बात कर लेते हैं लिब्रंस की। लिब्रंस के लिए पहला कार्ड निकलता है पेज ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटाकल्स। आज के दिन में आप अपने आप को, अपनी कार्य क्षमताओं को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप अगर यही सोचते रहेंगे ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा तो शायद आपसे वो ना ही हो पाए, बल्कि आज के दिन में आपको करना क्या है, अपने आप को प्रोत्साहित करना है, अपने अंदर एक एंथुजियाज्म को मेंटेन करना है जिससे कि आप अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। साथ ही में जॉब चेंज के जो प्लान्स दिखाई दे रहे थे उसमें थोड़े डिलेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करें कि आज खुद से बढ़ चढ़ कर मेहनत ज़रूर करें हर काम काज के लिए। तो आज के दिन में आप लोग उपाय क्या करेंगे, किसी भी मंदिर में जाकर के आज लाल रंग की चुनरी माँ की भेंट करनी है आपको, साथ ही में नारियल भी भेंट करना है। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकलता है नाइन ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सॉल्स। आज अब बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे हर काम काज के लिए। साथ ही में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं आज उन लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपके कारोबार से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। रिश्तों में लेकिन आज मधुरता जो है थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, आपके रिश्तों में थोड़ी खटास आती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरे की फीलिंग्स को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं हो सकती। और आज के दिन
में ध्यान किस बात का रखना है कि पैसे से जुड़ा हुआ लेन देन आज शाम के समय आप नहीं करेंगे। उपाय क्या करना है, आज पीले रंग के वस्त्र किसी भी विवाहित स्त्री को आज के दिन में देने हैं, भेंट करना है, गिफ्ट करना है। हाँ, आप अपने घर में भी किसी लेडीज को दे सकते हैं। कोशिश करें कि वो सुहागिन यानी कि विवाहित स्त्री होनी चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों के लिए शादी का योग भी बनेगा, साथ ही में आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो अड़चनें चल रही हैं, वो खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं सैजिटेरियंस की। तो धनु राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकलता है पेज ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड निकलता है सिक्स ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए रुके हुए काम सबसे पहले तो पूरे होने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आज हो सकता है उसे उधार उस पैसे को वापस करने के बारे में आप सोचेंगे, उसमें थोड़ी प्लानिंग्स भी करने के बारे में सोचेंगे। आज पैसे का एक तरह से आगमन होता हुआ नज़र आ रहा है, धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही में कुछ नया काम करने के बारे में सोचेंगे, उसकी प्लानिंग्स करेंगे। तो आज के दिन में आप बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अपने घर परिवार को भी ध्यान देना है, समय देना है, क्योंकि आज रिश्ते थोड़े से निग्लेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही में आज के दिन में उपाय क्या करना है, केले के पेड़ में दीपक आपको जलाना है। साथ ही में आज सुबह उठ करके आप लोग सूर्य को जल भी देंगे, साथ ही में माँ कात्यायनी की पूजा भी करेंगे। इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण कोशिश करें आप जिस समय पर पूजा कर रहे हो उस समय पर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए पहला कार्ड निकलता है नाइन ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड निकलता है टेन ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए आज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके कामकाज में डिलेज बहुत ज़्यादा होंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उसमें आगे से आगे आपके कामकाज में अड़चनें पैदा हो जाएंगी। साथ ही में मनी मैटर्स को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस अनचाहे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो खासतौर पर आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके लिए इस वक्त पर जो चीज़ ज़रूरी है उस पर ही आप अपना खर्चा करें। आज के दिन में बिना यूज़ वाली चीज़ों के ऊपर अगर आज खर्चा होगा तो वो चीज़ें आपके लिए आने वाले फ्यूचर में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके रिश्तों में मिठास पड़ रही है आज के दिन में। उपाय क्या करना है, आज सफ़ेद रंग के वस्त्र किसी भी आप नीडी पर्सन को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेरेंस की। कुंभ राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकलता है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड निकलता है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। देयर इज अ विश कार्ड फॉर यू। तो जो लोग आर्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, आज उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आप अपनी आर्टिस्टिक फील्ड को, अपनी आर्टिस्टिक कला को आप बाहर निकालेंगे, उसको उसका प्रदर्शन करेंगे। साथ ही में आपके कलीग्स जो हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं भी वर्क प्लेस पर कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको हो सकता है कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ नई डील्स मिल सकती हैं। साथ ही में जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है आज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपका कारोबार में उन्नति आपको मिलेगी। आज उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर के आप लोग चिरौंजी का प्रसाद जो है, चिरौंजी का आप लोग भोग लगा दीजिए। ऐसा करने से आप लोगों के जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, जो हर्डल वाली सिचुएशन आती है, वो खत्म होगी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो पाइसेंस के लिए पहला कार्ड निकलता है जस्टिस, दूसरा कार्ड निकलता है एट ऑफ पेंटाकल्स। आज हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी बातों को, काफ़ी लोगों को जज करना पड़ जाए, जिसकी वजह से एक तरह से एक पार जो है वो आपके हाथ में रहेगी। साथ ही में दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ासतौर पर आपके लव्ड वंस आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्तों में जो टकराव वाली स्थिति थी वो अब ख़त्म हो गई है, या वो नेगेटिव पीरियड अब ख़त्म हो गया है। लेकिन कानूनी मामले जो हैं, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका चल रहा है, उसमें थोड़ा सा सतर्क रहिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आप नहीं कर दें जिससे कि चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएं। छोटा सा उपाय आज के दिन में करना है, नौ दीपक माँ के सामने आपको जलाने हैं, और उसके बाद कोशिश करें कि जब भी आप साधना करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें, उस समय पर, इस साधना के समय पर वो दीपक जो है वो जलते रहने चाहिए, प्रज्वलित रहने चाहिए। इसी के अलावा आपको एक चौमुखा दीपक अपने घर के बाहर भी जलाना है, जो आपके घर का जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर भी जलाना है। ये जो चौमुखा दीपक है वो आप शाम के समय में जलाएंगे। ऐसा करने से अगर किसी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये खत्म होगी। तो ये तो बात हुई राशियों के बारे में। आज कौन सी उपाय आप लोगों को करने हैं ये भी आपने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लेकर के आऊँगी ऐसे ही आपके लिए आपकी राशियों का हाल। और कल सातवां नवरात्र है, बात करेंगे माँ कालरात्रि के बारे में, कौन से खास उपाय आप लोग कर सकते हैं उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक से।